हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीटेट के पर्यावरण अध्ययन पार्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि एनसीईआरटी के क्लास 3rd, 4th और 5th क्लास से लिया गया है। इसमें हर लाइन इम्पॉर्टेंट है, हर लाइन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आ भी चुका है बहुत से इसमें क्वेश्चन। तो आप इसको हम 4 या 5 पार्ट में लेके आएंगे, 30-30 क्वेश्चन का। तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी तो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ ही है और काफ़ी आने के चांसेस हैं। तो आज से हम पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। ये हम सीटेट ईवीएस प्राइमरी के लिए देख रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला है क्वेश्चन, लिंग हू फेन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, टैपियोका केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। तीसरा है, लुई ब्रेल फ्रांस के ये निवासी थे, इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित है। असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। दोस्तों, राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं, यह केरल में चलता है। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं, ये तो आप सब सुने ही होंगे। इसमें बादाम आदि भी डाले जाते हैं। एक हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियाँ होती हैं। एक झुंड में 10 से 12 हाथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। बच्चे भी जब 10 से 15 साल के हो जाते हैं तो वो झुंड को छोड़ देते हैं। अर्थात जो हाथियों का झुंड है उसमें हाथी नहीं होते, मतलब मेल हाथी नहीं होते हैं, फीमेल हाथिनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों खेजड़ी के पेड़ के बारे में। तो खेजड़ी के पेड़ राजस्थान जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। खेजड़ी का पेड़ यह रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसकी छाल दवाई के काम आती है। खेजड़ी की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। दोस्तों, आपने देखा कि खेजड़ी के पेड़ के कितने इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। उसकी हम सब्जी भी बना सकते हैं, दवाई भी बना सकते हैं और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता, तो इसकी लकड़ी से ज़रूरतमंद चीज़ें भी बना सकते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों आगे, सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और मजदूर चींटी बिल तक भोजन ढूंढ लाती है। दीमक और तिलैया भी इसी तरह समूह में कार्य करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछ चुका है तो आप ध्यान रखिएगा इसको भी। अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित समय होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित समय कौन सा होता है। गोवा से केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंगें और 200 पुल हैं। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, गांधी धाम अहमदाबाद में और क्लराड गुजरात में स्थित है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को, अर्थात हम जिसे मासी बोलते हैं उसे मलयालम में वलियम्मा भी कहते हैं और अमूमा नानी को कहते हैं। कोझिकोड केरल में है। करणम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। यह 130 किलोग्राम वजन उठाई थी और भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। मतलब जो करणम मलेश्वरी हैं ये भारत के बाहर अर्थात विदेशों में 29 मेडल जीत चुकी हैं और ये हमारी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं और 130 केजी वज़न उठा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की बात अब कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कचनार के फूलों से केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। ये भी दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अब जो पढ़ने जा रहे हैं और ये पूछा भी है।
बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है जहां पर त्योहारों के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावलों से रंग घोलकर बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। दोस्तों, ये सीटेट में पूछा हुआ है पहले कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगता है। गाजी खान, यह स्थान पाकिस्तान में है। सोहना गांव हरियाणा में है। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कौन सा गांव किस ज़िले से या किस स्टेट से संबंधित है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। गीजू भाई बधेका एक लेखक हैं, गुजरात में रहते हैं। वे बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियां और पत्र लिखते हैं। कलचीड़ी, इंडियन रॉबिन जिसे कहते हैं, ये एक चिड़िया होती है जो कि पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है और घोंसले में घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल सब बिछे होते हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। ये तो हम कोयल की प्रॉपर्टी देख लिए। अब देखते हैं फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में घोंसला बनाती है। मतलब फाख्ता एक चिड़िया होती है जो कि अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में घोंसला बनाती है। गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे। मतलब इसका घोंसला कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से 50% क्वेश्चन आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर में और पहले के सालों में पूछ भी चुका है। तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है। कोई लाइन आप ये समझ के मत छोड़िएगा कि ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप कहीं से भी पेपर उठा के देख सकते हैं। इसमें से आपको आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अपने नेक्स्ट पार्ट में हम 30 से 35 क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे। ऐसे ऐसे हम 4 या 5 पार्ट में वीडियो बनाएंगे जिसमें कम से कम 2-2.5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आना है। दोस्तों, अब एग्ज़ाम का ट्रेंड नया हो गया है, हमें भी अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी और हर पॉइंट को देखना होगा। स्पेशली एनसीईआरटी की बुक की हर चीज़ें देखनी होगी और ये सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी की ही बुक से बनाए हुए हैं, एनसीईआरटी की क्लास 3rd, 4th और 5th की ईवीएस की बुक से। तो दोस्तों, अपना सुझाव और राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए पॉइंट और एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।